हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरा नाम है संजीव जोत्रा और आज हम टॉपिक लेके हैं मार्केटिंग का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, छोटा सा टॉपिक होगा और ये सारा टॉपिक किस पे बेस्ड है, प्राइसिंग पे। ठीक है, प्राइसिंग, अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, मतलब कह सकते हैं सिचुएशन वाइज, सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन होती हैं, उनके सिचुएशन के मुताबिक हम प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जितने भी मार्केटर्स हैं वो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को, काफी सारे फैक्टर्स और भी होते हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी को सेट करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, उसमें एक बहुत ही कॉमन देखने वाली प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम अक्सर देखते हैं, दो तरह की हैं। एक है स्कीमिंग प्राइसिंग और एक होती है पेनिट्रेशन। स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या है, दैट यू हैव टू सेट द प्राइस इनिशियली व्हेन यू आर गोइंग टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, देन यू हैव टू सेट द प्राइस, इनिशियल प्राइस दैट इज वेरी हाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्कीमिंग में, स्कीम का मतलब ही क्या है कि हम स्किम कर देना, मक्खन उतार देना, मलाई उतार देते हैं फटाफट से ऊपर से, वही चीज है। कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं वो शुरू में जब इनिशियली जब वो प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो प्राइस इनिशियली क्या होगा, इनिशियली प्राइस ज्यादा होगा शुरू में। अब ये कब होगा, कुछ फैक्टर्स, जैसे जनरल फैक्टर्स लेते हैं, या तो हम कहेंगे कि वो ब्रांड काफी ज्यादा प्रीमियम ब्रांड है, जैसे आईफोन, एप्पल जैसे हम बात करते हैं, वो अपने हम कह सकते हैं जब उसका प्रीमियम के लिए वो जाना जाता है ना, लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं, पैसा खर्चते हैं, तो जब वो अपना लॉन्च करेंगे तो प्राइस वो ज्यादा रखेंगे, इनिशियली प्राइस हाई। एक तो ये फैक्टर हो गया, पर कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं वो क्या करेंगे, जब नए नए आते हैं पर उनका कॉम्पिटिटर कोई नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं कि अगर मान लो सपोज कोई गांव है ना, वहां पे नए नए कोई डॉक्टर आते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स, तो एक ही डॉक्टर है पूरे गांव में। अब अगर वो गांव में, उस गांव में लोग बीमार होंगे तो अगर बीमार होंगे तो हम कहेंगे हॉस्पिटल जो है वो शहर, जो शहर है वो वहां से, उस गांव से 100 किलोमीटर दूर है। अगर वो पता कोई बीमार होता गांव का, वो क्या 100 किलोमीटर जाएगा वहां पे पहले, वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने गांव के जो डॉक्टर है उसके पास जाएगा। अब डॉक्टर पे डिपेंड करता है ना, अब वो डॉक्टर क्या करेगा, जितना भी चाहे चार्ज कर सकता है क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं। अब लोग भी जाएंगे भी उसके पास, अब वो जितना चाहे पैसा वो ले सकता है, फीस ले सकता है। वैसे यही चीज कहीं ना कहीं मार्केटर्स भी देखते हैं, लगाते हैं कि इनिशियली जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अब देखेंगे कि उस प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है। अगर देर इज नो कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, देन दे विल सेट द हाई प्राइस बिकॉज देर इज नो कॉम्पिटिशन। ठीक है, जितना चाहे मन चाहे वो अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं। जैसे आइडिया था, स्पाइस जिसे बोलते हैं, पहले स्पाइस आया था, फिर स्पाइस, अब आइडिया हो चुका है। इनिशियली जब नया नया जो सर्विस सेक्टर, टेलीकॉम सर्विस सेक्टर जब इंडिया में आए, है ना, 2G लेके आए, तो इनकमिंग आउटगोइंग के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा थे, सुनने के भी पैसे लगते थे। क्यों लगते थे, क्योंकि वहां पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। अब तो जियो आ गया, पहले क्या था, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। मेरे ख्याल आउटगोइंग के भी 8 रुपए लगते थे, सुनने पे कि 4-5 रुपए इतने लगते थे, पर अब सुनने के कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, तो उस सिचुएशन, जैसे मैंने कॉम्पिटिशन की बात की, कॉम्पिटिशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्राइस कम होगा। ठीक है, दैट इट विल गो इन द फेवर ऑफ कंज्यूमर। अगर देयर इज नो कॉम्पिटिशन तो मार्केटियर राजा बन जाएगा। मार्केटियर क्या कहेगा, जितना चाहे वो उतना पैसा प्राइस सेट कर सकता है, उसे हम बोलते हैं स्कीमिंग, क्योंकि वो चाहता है शुरू शुरू में क्या करूं, मलाई उतार के ले जाऊं। जैसे अभी हुआ था ना, जैसे मैंने बताया भी था कुछ लेक्चर्स में, पिछले एयरटेल ने जैसे 4G लॉन्च किया था तो इनिशियली प्राइस 4G का ज्यादा था। ठीक है, कुछ देर बाद, 3-4-5 महीने बाद, जैसे जियो आया, कॉम्पिटिशन आ गया, कॉम्पिटिटर आ गया उसका एयरटेल का। जैसे एयरटेल का कॉम्पिटिटर आया, उसने फ्री में बांटना शुरू कर दिया जियो ने, तो एयरटेल के भी प्राइस कम हो गए।
कम होगे। तो स्कीमिंग क्या होती है कि इनिशियली प्राइस को बढ़ा देना, जब देयर इज नो कंपटीशन देन यू विल हैव टू सेट द हाई प्राइस, प्राइस आप ज्यादा बढ़ा दोगे, स्कीम करोगे, पर जैसे जैसे कॉम्पिटिटर आते रहेंगे आपका प्राइस भी कम होता जाएगा। कहने का मतलब इनिशियली प्राइस ज्यादा, जैसे जैसे टाइम बीता कॉम्पिटिटर आए, कॉम्पिटिटर जैसे आना शुरू हुए आपका प्राइस कम होना शुरू हो गया, उसे बोलते हैं दैट इज अ स्किमिंग प्राइस। अब आप देखना, मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि कितने कितने आपने ब्रांड्स देखे हैं या प्रोडक्ट्स देखे हैं या जितने भी ब्रांड्स नए नए आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, स्कीमिंग यूज कर रहे हैं या पेनिट्रेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्कीमिंग या तो बंदा वो करे ना, या तो वो बहुत ज्यादा फेमस ब्रांड है तो जितना भी चाहेगा पैसा प्राइस लगाना वो सेट करना वो कर सकता है। अगर कोई इनिशियली कोई जैसे लावा जैसा हम कह सकते कुछ ऐसा ब्रांड आ जाए आईफोन के मुकाबले, लावा जैसा कोई और ब्रांड या कोई और लोकल ब्रांड आ जाए, अगर वो गेम आते ही 1,00,000 का फोन बेच दूं, लगा दूं, प्राइस सेट कर दूं, नो आप नहीं बाय करोगे, क्योंकि आपको आपको यू आर नॉट वेल अवेयर ऑफ दैट प्रोडक्ट दैट ब्रांड। ठीक है, आईफोन अगर एप्पल अगर कार भी निकालेगा ना, गूगल अगर कार भी आज कहेगा कि दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च अ कार, ठीक है, अगर वो कार लॉन्च करने जा रहे हैं, आईफोन कार लॉन्च करने जा रहा है, तो आप झट से ले लोगे, क्योंकि आपको पता है वो प्राइस ज्यादा भी होगा तब भी आप बाय कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आप उस ब्रांड से ज्यादा वाकिफ हो। ठीक है, पर अगर कोई और भी ब्रांड आ जाता है यहाँ पे जो आपने सुना भी नहीं, लोकल ब्रांड, अगर वो इस तरीके से करेगा तो आप उसको बाय नहीं करोगे। ठीक है, या तो प्राइस कम से ज्यादा ही करोगे जब आपका कॉम्पिटिशन होगा, कॉम्पिटिशन कम होगा। ठीक है, तो ये क्या होती है स्कीमिंग प्राइसिंग, जब प्राइस इनिशियली ज्यादा हो। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन क्या होता है, शुरू में प्राइस कम रख देना, इनिशियल स्टेज में यू हैव टू सेट अ लो प्राइस जस्ट टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट। ठीक है, अब आप नए नए मार्केट में आए, देर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, यू हैव टू फेस अ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। ठीक है, तो क्या करोगे, देन यू विल सेट द प्राइस एट अ वेरी लो रेट। ठीक है, आप प्राइस बहुत ज्यादा कम रखोगे, ये नहीं कि प्राइस एकदम से बढ़ा दोगे, कम रखोगे, आप देखोगे माहौल, देखोगे अपने आसपास, देखोगे अपने कॉम्पिटिटर को, देखोगे अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से आप प्राइस रखने की कोशिश करोगे, उससे भी शायद आप कम रखोगे, कि आप अपने पैर जमा लो। ठीक है, जियो ने दो बार से किया था, रिलायंस ने जब एक बार 500 के मोबाइल भी दिया था, 500 में मोबाइल दिया तब भी बहुत ज्यादा लोगों ने बाय करना शुरू किया था, फिर जब जियो आया तब भी फ्री में सिम बांटने शुरू कर दिए। कहने का मतलब इनिशियली प्राइस को कम रख देना, इनिशियली प्राइस को कम रख देना, जैसे जैसे आपका आपके पैर जम गए, आपके आप कम कह सकते हैं कंज्यूमर्स बढ़ गए, आपके कंज्यूमर जैसे बढ़ने शुरू हो गए, दायरा बढ़ गया बड़ा, तो आप पता कि आप लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। अब जियो ने तो यही किया था ना, हालांकि बहुत अच्छा किया, चलो आ गया, फ्री में बांटा, पेनिट्रेट कर गया, एक बार लोगों ने सिम ले लिए, मान लो 1,00,000 लोगों ने सिम लिया था, नंबर भी 1 साल के लिए फ्री दे दिया था, 1 साल वो बंदे का नंबर जगह जगह चला गया, जैसे मेरा नंबर है, मान लो सपोज मेरे पास है, मैंने एक बार मोबाइल ले लिया, नंबर ले लिया जियो का, 1 साल यूज किया, अब वो नंबर तो जगह जगह पर चला गया होगा, अपने फ्रेंड्स को भी मैंने सर्कुलेट कर दिया, बांट दिया, अब मैं ये नहीं करूंगा कि मैं उस सिम को निकालू, तोड़ के बाहर फेंक दू, नहीं, उसमें कितने परसेंट लोग फेंके, उसने तोड़ के सिम फेंक दिया होगा, नहीं, कोई नहीं, चलो मानते हैं कि 20% लोग छोड़ गए होंगे, ठीक है, पर फिर भी 80% लोग जुड़ गए। तो क्या क्या स्ट्रेटजी यूज की थी रिलायंस ने, जियो ने, इनिशियली प्राइस कम रखा, अपना कस्टमर बेस बढ़ा लिया, कंज्यूमर्स बढ़ गए, जैसे कंज्यूमर्स बढ़े अब लोगों को 4G की आदत पड़ गई ना, लत लग गई। ये भी होता है ना, जैसे आपके जो आते हैं डिश टीवी वगैरह देते हैं, टाटा स्काई, उसमें भी क्या आपको चैनल्स दे देते हैं फ्री में पहले ना, फिर जैसे जैसे आपको आदत पड़ती है, अब आपको वो स्टार प्लस पे वो चीजें, ये सास बहू, ये चीजें आपको आदत पड़ चुकी है ना, अब वो छोड़ नहीं सकते आप लोग। जैसे ये भी अभी जैसे एप्स आ गए हमारा सारा कुछ, तो अमेजन प्राइम, जैसे हॉटस्टार, ठीक है, प्राइम वीडियो, हमारे जितने भी आते हैं सीरियल्स आते हैं, सीरीज आते हैं जितने भी, लॉकडाउन में तो ज्यादा ही फेमस होगी सीरीज, नेटफ्लिक्स हो गया, इसमें आपको सीरीज मिलनी शुरू हो गई है। पहले हॉटस्टार फ्री भी था,
फ्री में आपने देखा, आपको उसकी आदत पड़ गई, ठीक है, कंटेंट आना अच्छा आना शुरू हो गया, डिज्नी ने हॉटस्टार ने भी ऐसे कर दिया, प्राइम वीडियो ने कर दिया, नेटफ्लिक्स ने कर दिया, सभी की सीरीज बननी शुरू हो गई है ना, जितने भी सीरीज आती हैं, मूवीज जो आपकी आते हैं वो आप देख रहे हो, वो आदत पड़ गई, लॉकडाउन में ज्यादा आदत पड़ गई, अब वो उसको अब क्या कर रहे हैं, आप उसके पैसे ले रहे हैं। इनिशियली आपको फ्री दिखाया, इनिशियली आपको हॉटस्टार भी फ्री था, प्राइम वीडियो भी फ्री था, नेटफ्लिक्स भी काफी हद तक सस्ता था, पर जैसे जैसे आपको लॉकडाउन में आदत पड़ी तो फिर क्या हुआ, अब उन्होंने उसको उस पे उसको चार्ज करना शुरू कर दिया, मतलब पे आपको प्राइस ज्यादा पे करना पड़ा, कर रहे हो आप, ठीक है। तो वो स्ट्रेटजी क्या थी, जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, नया ब्रांड मार्केट में आता है, नया कॉन्सेप्ट मार्केट में आता है, तो कई बार क्या करते हैं, हम प्राइस को कम रखते हैं, ठीक है। इनिशियली यू हैव टू सेट द लो प्राइस, जैसे जैसे टाइम बीतेगा फिर आपका प्रोडक्ट बिकेगा, बिकेगा तो आप क्या करोगे, अपने प्राइस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू करते हो, उसे हम बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। जस्ट टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट यू विल सेट द लो प्राइस इनिशियली, देन यू विल इंक्रीज द प्राइस आफ्टर सम टाइम, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का छोटा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसमें हमने प्राइसिंग के बारे में पढ़ा, आगे और भी प्राइसिंग अलग अलग स्ट्रेटजीज आएंगी वो बताऊंगा। तो ये बड़ा हमने शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि स्कीमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये दो कंसेप्ट क्या होते हैं, ठीक है। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में प्राइसिंग के लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए, थैंक यू, गुड बाय, ठीक है, पर आपका गूगल चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।